ये नरेंद्र अवस्थी चैप्टर नंबर 1। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 101 और उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 101 और उससे आगे चलेंगे। 101 में क्या है, थ्री सॉल्यूशंस एक्स वाई जेड ऑफ HCl। यहां पर सॉल्यूशन एक्स है, किसका है, ऑफ HCl है। यहां पर सॉल्यूशन वाई है, किसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन वाई है ऑफ HCl, ये भी HCl का है। यहां पर आगे पास सॉल्यूशन जेड है, सॉल्यूशन जेड ऑफ HCl, ये भी HCl का है। अब आप क्या कहते हैं, थ्री सॉल्यूशंस एक्स वाई जेड आर मिक्स टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ, इनको मिलाया गया और 100 ml 0.1 m सॉल्यूशन बना लिया गया। तीनों को मिलाया गया और सॉल्यूशन बना लिया गया। इसको मिलाया आपने इसके V1 ml ले लिए, आपने इसके V2 ml ले लिए, आपने इसके V3 ml ले लिए। इसकी मोलारिटी जो है बच्चों वो है 0.07, ये 0.07 m है। इसकी मोलारिटी है 0.12 m है और इसकी जो मोलारिटी गिवन है वो 0.15 m है। ये है आपके पास, तो वॉल्यूम आपको निकालने हैं एक्स वाई और जेड के, यानी कि आपको V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है और V3 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से देखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, JEE मेन वगैरह में आ जाते हैं, कोई बात नहीं। मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन एक्स, बस केवल इतना लिख दो। ऐसे ही मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन वाई और मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन जेड। अब मिलीमोल निकालने का तरीका क्या होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं। मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर में। तो ठीक है भाई, आपको यहां पर इसकी मोलारिटी 0.07 है, वॉल्यूम V1 है। इसके बारे में चलिए, इसकी मोलारिटी 0.12 है और वॉल्यूम V2 है। इसके बारे में चलिए, ये आग पास 0.15 है इंटू V3 है। सबको ऐड कर दो, क्योंकि ये भी एसिड था, ये भी एसिड है, सारे ही HCl के सॉल्यूशन है, तो फिर ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो मिलीमोल्स ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन या मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मिलीमोल्स कितने आगे, ये आपको देखना पड़ेगा। इसको 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 ऐड किया है आपने, तो ये 0.07 V1 प्लस 0.12 V2 प्लस 0.15 V3 आएगा। अब आप देखो ये कितना गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ये कितना आ जाएगा। आप देखो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये 0.1 इनटू 100 आएगा,
और ये 10 आ जाएगा। मोलारिटी, इसकी मोलारिटी, फाइनल मोलारिटी इसमें इतनी ही गिवन है, 0.1 और 100। तो अब देखिए इसको इसके इक्वल करिए, 0.07 V1 प्लस 0.12 V2 प्लस 0.15 V3 इज इक्वल टू 10। मेरे बच्चों बहुत क्लियर कट बात है, आपको जो गिवन ऑप्शन है उसमें V1 V2 V3 की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बस आपको ए ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, बी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, सी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, डी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो अब आप देखते हैं कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, और कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको यह देखना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन है, इसे सेटिस्फाई कर दे। अब जरा देखते हैं, पहले में 50 25 20 है, यानी पहले में V1 की वैल्यू 50, V2 की वैल्यू 25 और V3 की वैल्यू 25 है। देखिए क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक करिए। दूसरे में V1 की वैल्यू 20, V2 की वैल्यू 60, V3 की वैल्यू 20, इस इक्वेशन में रखिए, क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सी में चलिए, V1 की वैल्यू 40, V2 की वैल्यू है 30 और V3 की वैल्यू है 30, आप रखिए, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लीजिए, कैलकुलेशन का मैटर आता है, इसमें V1 की वैल्यू 55 है, V2 की वैल्यू 20 है और V3 की वैल्यू 25 है। आप इन वैल्यूज को पुट करिए, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही करेक्ट आंसर होगा। प्लीज इसे करिए, ट्रिकी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसे कहा 101 हो गया। अब चलते हैं 102 पर, कि 102 क्या कहता है। 102 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि 102 में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रही है, कौन सी कॉन्सेप्ट लगती है। एक्चुअली इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड लगेगा और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं कि 102 क्या कहता है। अ बोतल ऑफ एक्वस H2O2, यहां पर एक बोतल है, इस तरह की बोतल है, एक बोतल है, और ये किसकी बोतल है, क्वेश्चन खुद कह रहा है ये एक्वस H2O2 की बोतल है, क्वेश्चन ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, एक्वस H2O2 की बोतल है। इस पर लेबल लगा हुआ है 28 वॉल्यूम, इस पर लेबल लगा हुआ है 28 वॉल्यूम, इसका ये लेबल लगा हुआ है। एंड द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैंने कहा है आमतौर पर सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होती है, ये है 1.25। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मोलालिटी, मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी निकालनी है, ठीक है भाई, मोलारिटी, मोलारिटी भी निकालनी है तभी करेक्ट जो आएगा आएगा। मोलालिटी, बस मोलारिटी और मोलालिटी निकालनी है, आपको पता चल जाएगा, दो चीज निकालनी है। तो जो 28 वॉल्यूम है इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो
वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, डेफिनेशन बता रहा हूं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ आखिर क्या चीज है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती क्या चीज है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी लिबरेटेड बाय और गिवन बाय, लिबरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय वन वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2। ये डेफिनेशन है, जितने वॉल्यूम ऑक्सीजन के मिलेंगे एसटीपी पर, किससे, वन वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 से, उसे ही हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहेंगे, उसी को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहेंगे और कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है। चलिए हम इस पर लगा देते हैं, यानी कॉन्सेप्ट तो आपकी हो गई। अब हम स्टेप नंबर 1 अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन। ये आपकी कॉन्सेप्ट थी, आपको ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये पता होनी चाहिए। 28 वॉल्यूम, इसका मतलब है अगर हम 1 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 लें और इसे गर्म कर दें या वैसे ही, तो इससे 28 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी मिल जाएगी, इसका यही मतलब है। अगर हम इसे हीट कर दें तो इससे मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो दो बातें पता चल गई आपको, दो बातें कंफर्म हो गई। एक बात क्या पता चली, 1 मिलीलीटर कि एक्वस सॉल्यूशन 1 मिलीलीटर, और दूसरी बात पता चली कि 28 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये दो बातें आपको पता चल गई है। 2H2O2, ये 2H2O प्लस O2, ये बैलेंस इक्वेशन है। जैसे ही बैलेंस इक्वेशन आपके पास है, आप फौरन एक चीज लगाने के लिए एलिजिबल हो गए, वो चीज है स्टोसियोमेट्री। तो आप स्टोसियोमेट्री लगाने के लिए आप बिल्कुल हकदार हो गए हैं। तो 1/2 इंटू मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू, ये पता है तो मोल्स ऑफ O2 आ गया, ठीक है भाई। 1/2 इंटू वेट ऑफ H2O2 किसमें, ग्राम में, अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 × 2 = 34 आ जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट एसटीपी, गैस एट एसटीपी और किसमें, मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय 22400। अब देखिए वॉल्यूम कितना निकल के आया है, 28 है ना, तो वेट ऑफ H2O2 ये आएगा 28 इंटू ये 68 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 22400, यूनिट आ जाएगी ग्राम। एक रिजल्ट आपको ये भी मिलके तैयार हो गया। अब आप डेंसिटी का इस्तेमाल कीजिए, डेंसिटी क्या कहती है, डेंसिटी का इस्तेमाल भी कीजिए कि डेंसिटी क्या कहती है। तो स्टेप 2 पर चलते हैं। वॉल्यूम आपने कितना ले लिया है, 1 मिलीलीटर तो पहले ही ले चुके हैं, तो डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml है। इसकी यूनिट आप हमेशा याद रखिए, ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डेंसिटी, डेंसिटी है 1.25 इंटू क्या आएगा, इंटू क्या आएगा, इंटू वॉल्यूम आएगा जो कि 1 ml है, ये 1.25 ग्राम आएगा, 1.25 ग्राम आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या निकलेगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का वेट कितना है, ये आपका सॉल्यूशन का वेट है,
1.25। सोल्यूट कितना है? यही तो सोल्यूट है, यही आपका सोल्यूट है, यही वेट ऑफ सोल्यूट है। तो वेट ऑफ सोल्यूट यहां से उठाइए, यहां पर पुट करिए, कितना आएगा? 28 × 68 / 22400। यूनिट क्या आएगी? ग्राम आएगी। आपको इतनी चीजें पता चल गई हैं, अब आपको मोलारिटी निकालने में तकलीफ नहीं होगी, मोलालिटी निकालने में तकलीफ नहीं होगी। दोनों चीजें बड़ी आराम से निकल जाएंगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आप मोलारिटी निकाल लीजिए और मोलालिटी निकाल लीजिए। तो स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? मोलारिटी ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट तो ये है, कितना है? यही तो वेट ऑफ सोल्यूट है, 28 × 68 / 22400। ये सोल्यूट का वेट है। और क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। कितने मिलीलीटर है? 1। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 times चला जाएगा, तो ये 28 × 2 × 10 / 22400 आ जाएगा। मोलारिटी निकल गई, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना बचा है और कुछ भी नहीं है। स्टेप 4, मोलालिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यही है, कितना है? 28 × 68 / 22400 वेट ऑफ सोल्यूट। और क्या भाई? वेट ऑफ सोल्यूट के बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट 34 है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कितना है? 1.25 माइनस 28 × 68 / 22400। ये ग्राम में है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे किलोग्राम में चेंज हो जाए। बहुत आराम से इन्हें कैंसिल कर दीजिए, बहुत आराम से यहाँ पर 2 कर दीजिए, 28 × 2 × 10 / 22400 और इंटू क्या? 1.25 माइनस 28 × 68 / 22400। यहाँ से एक आंसर ये आ गया। जो भी ऑप्शन मैच करता है मैच कर लीजिए, क्योंकि दो ही चीजें निकालनी थी, मोलारिटी और मोलालिटी, दोनों निकल गई। इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद क्या है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, और इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है। 103 में चलते हैं। द इम्प्योर 6 grams ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर एंड देन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फाउंड टू बी 14 grams। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है ये, 103 बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहां पर 103 था ये, हाँ जी 103 है। यहां पर 6 grams NaCl है, 6 grams NaCl, ये 6 grams सैंपल ऑफ NaCl है। इसे आप इम्प्योर NaCl लिखिए, इम्प्योर NaCl, 6 grams इम्प्योर NaCl है। इस 6 grams इम्प्योर NaCl को उठाया गया और इसे पानी में डाल वगैरह करके सॉल्यूशन बना लिया गया, सॉल्यूशन बनाया गया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाला गया, यहाँ से हम कहीं से ला करके एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कहीं से डाल रहे हैं, तो जो प्रेसिपिटेट बना है वो कितना है? 14 grams प्रेसिपिटेट बना है, 14 grams ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट बन के तैयार हुआ है। तो ये 6 grams इम्प्योर NaCl है।
आप ये कंसिडर कर लीजिए, लेट एज्यूम दैट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCl इज एक्स परसेंट. कितना है? एक्स परसेंट है, ये एक्स परसेंट है. तो अब वेट ऑफ प्योर NaCl कितना आ जाएगा? 6 का एक्स परसेंट. तो एक्स अपॉन 100 इंटू 6 आ जाएगा, 0.06 एक्स ग्राम आ जाएगा, 0.06 एक्स ग्राम आ जाएगा, ये NaCl का वेट आ जाएगा. कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्त. NaCl प्लस AgNO3 ये क्या बना रहा है? ये AgCl प्लस NaNO3 बना रहा है. बैलेंस इक्वेशन है. जैसे बैलेंस इक्वेशन मिलती है, आप स्टोशियोमेट्री लगाने के अधिकार में आ जाते हैं. मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ AgCl, मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgCl लगा दीजिए. इसका मास 0.06 एक्स अपॉन मोलर मास 58.5, इसका मास 14 अपॉन मोलर मास 143.5. बड़े आसान से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर. एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 2.684 ग्राम पर सीसी. हाउ मेनी मोल्स ऑफ BSO4 वुड बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग BaCl2 इन एक्सेस. ये क्वेश्चन है, ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन ये भी है. इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है कि जो बहुत परेशान करने वाला हो. क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, 1 मोलल सॉल्यूशन है, यानी कि मोलालिटी गिवन है. 1 मोलल सॉल्यूशन है, 1 मोलल सॉल्यूशन मोलालिटी गिवन है. 1 लीटर है, ये भी पता है 1 लीटर है. और डेंसिटी डी ऑफ सॉल्यूशन ये भी गिवन है, कहीं कोई घपला है ही नहीं. डी ऑफ सॉल्यूशन ये 2.684 ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल है. हाउ मेनी मोल्स ऑफ BSO4 वुड बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग BaCl2 इन एक्सेस. यहां से हम BaCl2 एक्सेस डाल रहे हैं, तो हमें बताना है कि BaSO4 के कितने मोल्स बनेंगे. यहां पर हमें मोल्स ऑफ BaSO4 निकालना पड़ेगा. बस सीधी कहानी है, कहीं कोई घपला झगड़ा झंझट नहीं है. तो भाई बच्चों देखो जरा कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, जिसमें कोई परेशानी नहीं. किसका सॉल्यूशन है? ये एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है. Al2SO4 होल थ्राइस का सॉल्यूशन है. Al2SO4 होल थ्राइस का सॉल्यूशन है. देखिए दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के. या तो आप मोलारिटी निकाल लो, मोलारिटी, या तो आप इसकी मोलारिटी निकाल लो. मैंने आपको बताया है कि मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? m अपॉन m माइनस m m इंटू डी. ये थोड़ा सा चेंज करो, यहां पर डी माइनस एम एम इंटू 10^-3 इस तरह से है. या तो ये कर दो आप, और या दूसरा तरीका अपनाओ. दूसरा तरीका क्या अपनाना है आपको इसमें, वो भी देखो. भाई देखो, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. इस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है,
वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है 1 लीटर, इससे आपको मास पता चल जाएगा कि कितने ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मास पता चलेगा, सॉल्यूट का मास नहीं पता चलेगा, सॉल्यूशन का मास पता चलेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। तो जब सॉल्यूशन का मास निकालेंगे तो 2.684 इंटू 1000 ग्राम आ जाएगा। इसको मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने मिलीलीटर में चेंज कर लिया है, यहां मल्टीप्लाई करके मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाना है। मोलालिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, या थोड़ा सा और चेंज कर लो, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। ये आपको आ गया 2684, क्या आ गया, ग्राम आ गया। यहां से आप डब्ल्यू ए की वैल्यू निकालो तो 2684 माइनस डब्ल्यू बी आ जाएगा, ये ग्राम आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट आ गया। अब आप मोलालिटी में फिट कर दो, तो मोलालिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, वो तो कुछ भी करोगे, इसका मोलर मास आपको चाहिए। इसका मोलर मास 2 × 27 प्लस 3 × 96, ये 54 आएगा, और 3 × 18 1 × 3 = 27 और 28 8 × 4 = 12 342 आता है। आप देख लीजिए 342 आएगा, 8 × 4 = 12 और 6 × 8 = 14 342 आता है। 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 2684 माइनस डब्ल्यू बी इंटू ऊपर आएगा 1000, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 1 दे रखी, 1 गिवन है। तो एक इक्वेशन यहां से आ गई, यहां से आप डब्ल्यू बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। डब्ल्यू बी की वैल्यू ही क्या आएगी, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस आ जाएगी। आप इसे ले लीजिए, मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस आ जाएगा। कहीं दूर से दूर तक कोई परेशानी नहीं है, दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं। ये सब कैलकुलेशंस हैं, करनी पड़ेगी। एक छोटा तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, BaCl2 से कराई जा रही है, तो क्या बनेगा। यहां देखिए BaSO4, मैं थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए दोबारा लिख देता हूं, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस BaCl2, ये बनाएगा BaSO4 प्लस क्या बनेगा, BaSO4 और प्लस AlCl3 बनेगा। भैया ये जाएगा इसके साथ, BaSO4 बनाएगा, ये जाएगा इसके साथ AlCl3 बनाएगा। बैलेंस करने का मामला है, 3 है तो यहां पर 3 कर दो, ये 2 है तो यहां पर 2 कर दो, 3 × 2 = 6 हो गया, तो यहां पर 3 कर दो, बैलेंस हो गया। जैसे ही आप बैलेंस कर सकते कर पाए, तुरंत ही आप क्या लगाने के लिए हकदार हो गए, स्टोसियोमेट्री लगाने के हकदार हो गए। तो मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 1/3 इंटू मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, BaSO4 आ जाएगा। इसका मास अपॉन मोलर मास, मास यहां से निकलेगा WB, मोलर मास 342 इज इक्वल टू 1/3 इंटू मोल्स ऑफ BaSO4, यहां से निकाल पाएंगे आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, कि 104 क्या कहते, 104 पर नहीं 105 पर, कि 105 क्या कहता है, 105 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 105। A certain public water supply contains 0.1 ppb of chloroform. 0.1 ppb है ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 बिलियन का मतलब होता है 10^9 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें 0.1 ग्राम क्लोरोफॉर्म का यानी कि सोल्यूट का मिलेगा पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मतलब 10^9 ही होता है। अब हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म वुड बी ऑब्टेन इन 0.478 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एज्यूम डेंसिटी इतनी, यानी ड्रॉप्स कितने हैं 0.478 मिलीलीटर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, ऑफ सॉल्यूशन कह दो, और एज्यूम करना है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये एज्यूम करना है कि 1 ग्राम पर ml है। ये पूरा सिस्टम बनकर के तैयार हुआ। तो अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालना है कि क्लोरोफॉर्म के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, देखो ग्राम जब जब डेंसिटी 1 हो तो वॉल्यूम और मास इक्वल हो जाता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है, 0.478 ग्राम आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऐसा क्यों है? बिकॉज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन है 1 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन आपके पास आ गया, गिवन वैल्यू है कि ये 0.478 हो गया। 10^-9 ग्राम में, 10^-9 ग्राम सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो इसमें 0.1 ग्राम क्लोरोफॉर्म का मिलेगा। तो अगर आप 0.478 ग्राम सॉल्यूशन ले लें तो उसमें 0.1 × 10^-9 × 0.478 ग्राम क्लोरोफॉर्म का मिल जाएगा। बस इसको आपको करना क्या है, इसको आपको मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है। तो मॉलिक्यूल्स में चेंज करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, क्या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपको तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो मास कितना है मेरे दोस्तों? मास है 0.1 × 10^-9 × 0.478 डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 + 3 × 35.5। ये आपके पास ये Na भी इधर चला जाएगा और यहां पर जगह कम पड़ेगी, इसलिए Na को मैं यहां लिख देता हूं। और इस तरीके से आपका आंसर आ गया, 105 सोल्व हो गया। 106 पर चलते हैं और देखते हैं कि 106 क्या कहता है। 106 पर चलते हैं, देखते हैं कि ये 106 क्या कहता है। 106 क्वेश्चन नंबर 106 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ऑफ प्योर NaOH इन फॉलोइंग। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 50 ग्राम
ऑफ 40% वेट बाई वेट स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू वेट बाई वेट एन ए ओ एच है। इसका मतलब है कि अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम में 100 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना 40 ग्राम क्या है एन ए ओ एच है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम एन ए ओ एच है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम एन ए ओ एच है, तो 100 ग्राम में 40 ग्राम एन ए ओ एच है, तो 50 ग्राम सॉल्यूशन में कितना 20 ग्राम एन ए ओ एच हो जाएगा। ये एक रिजल्ट मिल गया। दूसरा देखिए क्या है 50 ml ऑफ 50% वेट बाई वॉल्यूम एन ए ओ एच सोल्यूशन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml है, 50% वेट बाई वॉल्यूम एन ए ओ एच सोल्यूशन है, इसमें डेंसिटी जो दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये 1.2 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, 50% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है, इसकी मीनिंग क्या है कि अगर 100 ml सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें 50 ग्राम एन ए ओ एच यानी कि सोल्यूट का पाया जाएगा। तो अगर आप 50% का यही मतलब है, तो 50 ml सोल्यूशन में क्या 25 ग्राम सोल्यूट यानी कि एन ए ओ एच पाया जाएगा। तीसरा क्या गिवन है, इसमें डेंसिटी का रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। तीसरा क्या है, 50 ग्राम ऑफ 15 ml एन ए ओ एच इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये 1 ग्राम पर ml है। इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेते हो तो उसमें 15 mol सॉल्यूट के होंगे। इसका मतलब है 15 × 40 ग्राम एन ए ओ एच का होगा। तो ये 1 लीटर में है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, ये 1000 ml में है, कितना है 50 ग्राम यानी कि 50 ml ये डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन है 1 ग्राम पर ml, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। ऑफ सॉल्यूशन इसमें निकालो तो अगर 1000 में इतना है, 1000 में 15 × 40 और डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो ये 1 में निकालना पड़ेगा ना, इनटू करना पड़ेगा 50 ml में कितना हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ये ग्राम एन ए ओ एच का आएगा। तो एक ये आ गया, एक कैलकुलेशन कर लो, ये आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिस भी ऑर्डर में रखना है रख दीजिए। 107 देखो अब कि 107 क्या कहता है, यहां से थोड़ी चेंजेस आएंगे, अब थोड़ा चेंज करवा रहा है, यहां 107 से थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को फील करने की कोशिश करिए, थोड़े चेंजेस आ रहे हैं
उन चेंजेस को फिल करने की कोशिश करिए, थोड़े से चेंजेस हैं उन चेंजेस को फिल करने की कोशिश करिए कि वो चेंजेस हैं क्या। 107 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस, डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस, यहां पर बी है, बी के साथ एक OH यहां जुड़ा हुआ है, एक OH यहां जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं डाई एसिडिक बेस। मैंने अपने स्टाइल में लिख दिया है डाई एसिडिक बेस। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस, थोड़ा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक बेस है तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। जैसे CH3NH2 को लेते हैं तो इसमें एक ही लोन पेयर है, ये मोनो मोनो एसिडिक ऑर्गेनिक बेस है, ऑर्गेनिक बेस है। थोड़ा मैं और समझाऊं, ये एक एग्जाम्पल है मोनो का NH2 NH2, यहां पर एक और यहां पर एक, ये क्या है हाइड्राजीन है, इसे हाइड्राजीन कह देते हैं, दो लोन पेयर हैं तो ये डाई एसिडिक बेस है, हालांकि ये ऑर्गेनिक नहीं है बेस है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लो, NH2 CH2 का होल फोर कर देता हूं, यहां पर NH2 कर देता हूं, ये आग पास डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस है। अब देखो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी तरह से दो लोन पेयर होने चाहिए, और जिससे कि वो दो हाइड्रोजन को कंज्यूम कर सके, एक हाइड्रोजन को ये कंज्यूम कर लेगा, एक हाइड्रोजन को ये कंज्यूम कर लेगा, यहां पर NH3+ बन जाएगा, CH2 का होल फोर हो जाएगा, यहां पर भी NH3+ हो जाएगा, दो हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को कंज्यूम कर सके, ये सिस्टम हो गया। तो अब क्या कह रहा है, डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस, डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस, डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस। इफ 12 ग्राम ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट बी H2 PtCl6, ये कितना है 12 ग्राम है, इसको हीट करने पर क्या 5 ग्राम Pt बन जाता है, 5 ग्राम Pt बन जाता है, तो कुछ भी नहीं है, मोल्स ऑफ BH2 PtCl6 PtCl6 ये आएगा मोल्स ऑफ Pt, भाई कुछ भी नहीं है, इसका मास अपॉन मोलर मास, B को M ले लो, H2 का 2 हो गया, इसका 195 हो गया, 6 × 35.5 हो गया, ये 5/195, M की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और यही पूछ रहा है वो कि मोलर मास कितना होगा, इसके सिवाय वो कुछ जानना नहीं चाह रहा है। 107 हो गया, 108 पर चलिए कि 108 क्या कहना चाह रहा है, उस 108 को पकड़ने की कोशिश करिए, देखते हैं कि 108 क्या कह रहा है। 108 1 ग्राम ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक डाई बेसिक एसिड, यहां पर H2A है, ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड क्यों है, क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन के हैं,
इसीलिए डाई बेसिक एसिड हो गया। अब हमें इसका सिल्वर सॉल्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा और इनकी जगह पर दो सिल्वर जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपके पास Ag2a आएगा। अब इसका मोलर मास अगर आप m ले रहे हो तो इसका मोलर मास क्या आएगा, m माइनस टू, ये इसका एटॉमिक मास हो जाए ना, 2 होता तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 108, तो m माइनस टू प्लस 216, तो m प्लस 214 आएगा। अब क्या कह रहा है, अगर हम पॉइंट, ये Ag2a है, ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई बेसिक एसिड है, इसके अगर हम इसके 0.5934 ग्राम को लेते हैं और स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो हमें इस केस में ऑन हीटिंग 0.5 इतने ग्राम सिल्वर सॉल्ट, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई बेसिक एसिड ऑन हीट इतने ग्राम ऑफ सिल्वर, गलती है, क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट, 1 ग्राम अगर हीट करते हैं तो सिल्वर के कितने बनते हैं, सिल्वर बनता है 0.5934 ग्राम बनता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां सिल्वर को बैलेंस करने के लिए 2 कर दीजिए, तो मोल्स ऑफ Ag2O इज इक्वल टू 1/2 × मोल्स ऑफ Ag आ जाता है, मास 1 ग्राम, मोलर मास अभी निकाला है, इसे पुट करो, m प्लस 214, 1/2 मास, इसका मास कितना आएगा दोस्त, 0.5934 गिवन है, इसका मोलर मास 108, यहां से m की वैल्यू यानी कि डाई बेसिक एसिड का मोलर मास आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप m की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए हैं तो क्वेश्चन का एक पार्ट समझ लीजिए हो गया, तो क्वेश्चन का एक ही पार्ट हुआ है, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड yields ऑन हीटिंग 0.5934 ग्राम ऑफ सिल्वर, इसको हीट किया तो 0.5934 ग्राम ऑफ सिल्वर के बन गए। इतना डाटा हमने इस्तेमाल कर लिया, अब आगे की कहानी देखते हैं कि आगे क्या कहता है। इसको आप m को कैलकुलेट करके रखिए, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, इसे m वगैरह की कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। अब चलिए आप आगे क्या कह रहा है, इफ द वेट परसेंट ऑफ कार्बन, वेट परसेंट ऑफ कार्बन इज 8 times of वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1/2 ऑफ, इसी को ले लेते हैं, वेट परसेंट ऑफ कार्बन इज 1/2 ऑफ वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये सिस्टम बन के तैयार होता है। तो हमें निकालना है डिटरमिन मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड। अब जरा इस पर गौर फरमाइए, इसे आप एक्स ले लो तो ये 8 × y हो गया, इसे x ले ही लिया है तो 1/2 × z हो गया। यहां पर आप एलिमेंट लिख दो, क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहां पर एटॉमिक वेट लिख दो
12 है, 1 है, 16 है। अब आप यहां पर मास परसेंटेज लिख दो, कितनी है मास परसेंटेज, ये आपके पास एक को हमने एक्स कंसीडर कर लिया है तो एक्स, एक को हमने वाई कंसीडर कर लिया है वाई, एक को हमने जेड कंसीडर कर लिया है जेड, और इनमें रिलेशन बहुत साफ है। ये एक्स इज इक्वल टू 8y है, गिवन है, ये गिवन है, और एक्स इज इक्वल टू ये भी है, एक्स इज इक्वल टू जेड बाई 2 भी है, ये गिवन है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, रिलेटिव नंबर निकालने हैं। रिलेटिव नंबर जिसे मैं मोल परसेंटेज कह देता हूं, कई बार मोल परसेंटेज कह देता हूं, इसे कई बार बुक्स वगैरह में रिलेटिव नंबर लिखते हैं, रिलेटिव नंबर। तो क्या होता है, ये परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो x अपॉन 12 हो जाएगा, y अपॉन 1 हो जाएगा, z अपॉन 16 हो जाएगा, रिलेशंस दिए हुए हैं। अब यहां पर हम क्या लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं क्या भाई, होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो। ये होल नंबर, होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो, ये आप खुद निकालिए। कैसे, तरीका बता रखा है, इनमें से जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करना है। तो ये तो x बाई 12 हो गया, y की जगह पर भी हमें x लाना है, या x की जगह पर आप y ले लीजिए, चलिए यही ले लेते हैं, x की जगह पर y ले लेते हैं, तो 8y अपॉन z हो जाएगा, ये 8y अपॉन 12, गलती हो गई, ये तो y है ही है, और यहां पर आप z की जगह भी x और y ले लीजिए, आ जाएगा। इस तरीके से एम्प्रिकल फॉर्मूला निकाल लीजिए। एम्प्रिकल फॉर्मूला निकालने के बाद मोलर मास में पहले ही निकलवा चुका हूं m, और आप उससे आप फॉर्मूला सेट कर लीजिए, निकाल लीजिए। 109 पर चलते हैं, मैंने काफी हद तक आपको ये कर दिया, बाकी कैलकुलेशन है, तो 109 पर चलते हैं कि 109 क्या कहता है। 109 क्या कहता है, 0.607 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राई बेसिक एसिड। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ट्राई बेसिक एसिड H3A है, इसका मोलर मास मैंने M ले लिया, इसमें से तीन H निकालने पड़ेंगे, तीन Ag जोड़ना पड़ेगा, तो ये Ag3A, तो इसका अब मोलर मास हो जाएगा M माइनस 3 प्लस 3 इंटू 108। आप कैलकुलेशंस खुद करिए। अब क्या कह रहा है कि Ag3A ये सिल्वर सॉल्ट है, ये सिल्वर सॉल्ट है, इसको हमने हीट किया, हीट करने पर 3Ag बन गया, और अब मोल्स ऑफ Ag3A इज इक्वल टू 1/3 इंटू मोल्स ऑफ Ag आ जाएगा। इसका मास 0.607 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट, मोलर मास m माइनस 3 प्लस 3 इंटू 108 इज इक्वल टू 1/3। कितने ग्राम दिया है, 0.37 ग्राम ऑफ प्योर, तो 108। m की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ही सीधा और अच्छा क्वेश्चन था। 110 पर चलिए, 110 पर चलते हैं कि 110 क्या कहता है, इसको भी जरा देखने की कोशिश करते हैं कि 110 क्या कहता है। 110 पर चलिए, 110 अ सैंपल ऑफ पीनट वेइंग 2 ग्राम। यहां पर पीनट का सैंपल है, यहां पर पीनट का सैंपल है, इसका मास है 2 ग्राम, 2 ग्राम ले लिया,
इज एडेड टू 25 ml ऑफ 0.4 mKOH. इसको हमने 25 ml ऑफ 0.4 mKOH में डाल दिया, इसको डाल दिया. आफ्टर सेपोनिफिकेशन इज कंप्लीटेड, सेपोनिफिकेशन हो गया. सेपोनिफिकेशन के बाद जो रिमेनिंग लेफ्ट के ओएच था उसके लिए 8.5 मिलीलीटर क्या 0.28 mH2SO4 की जरूरत पड़ी. यानी कि ये एक्सेस था, ये जो एक्सेस था इसको खत्म करने के लिए H2SO4 की जरूरत पड़ी. तो हमें निकालना क्या है, सेपोनिफिकेशन नंबर ऑफ पीनट निकालना है. जो पीनट है इसका सेपोनिफिकेशन नंबर निकालना है, इसकी सेपोनिफिकेशन नंबर निकालना है. और देखिए कमाल की बात है, सेपोनिफिकेशन नंबर की डेफिनेशन भी गिवन है. सेपोनिफिकेशन नंबर इज डिफाइंड एज मिलीग्राम ऑफ के ओ एच कंज्यूम्ड बाई 1 gram ऑफ ऑयल. 1 gram ऑफ ऑयल ये डेफिनेशन है सेपोनिफिकेशन नंबर की. इसे ही सेपोनिफिकेशन नंबर कहते हैं. कितना ईमानदार क्वेश्चन है, बहुत ईमानदारी शो करी. क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ पीनट वेइंग 2 gram. यहां पर पीनट का सैंपल है, ये पीनट है, इसका जो मास है 2 gram, इसका 2 gram मास है, और इसको हमने ऐड कर दिया 25 ml 0.4 mKOH में ऐड कर दिया, 0.4 mKOH में ऐड कर दिया. आफ्टर सेपोनिफिकेशन कंप्लीट, 8.5 ml ऑफ 0.2 mH2SO4 इज नीडेड. जब सेपोनिफिकेशन कंप्लीट हो गया तब उसके इसमें हमें जरूरत पड़ रही है 8.5 मिलीलीटर 0.28 mH2SO4 की जरूरत पड़ रही है. द सेपोनिफिकेशन नंबर पूछ रहा है, और सेपोनिफिकेशन नंबर की डेफिनेशन भी दी है यहां पर. क्या दिया है, मिलीग्राम ऑफ KOH कंज्यूम्ड बाई 1 gram ऑफ ऑयल. मिलीग्राम ऑफ KOH कंज्यूम्ड बाई 1 gram ऑफ ऑयल, ये सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन है. क्वेश्चन को एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए. पीनट है, पीनट के 2 gram को लिया गया, और पीनट के 2 gram को 25 ml 0.4 mKOH में डाल दिया गया. जब सेपोनिफिकेशन हो गया, सेपोनिफिकेशन कंप्लीट हो गया, मैं सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन भी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो. जब सेपोनिफिकेशन कंप्लीट हो गया तब उसके बाद बचे हुए जो रिमेनिंग के ओएच था, जो अनकंज्यूम्ड के ओएच था, जो रिमेनिंग के ओएच था, अनकंज्यूम्ड के ओएच था, उसके लिए 0.28 mH2SO4 के 8.5 मिलीलीटर की जरूरत पड़ी है. तो सबसे पहली बात यही है बच्चों कि सेपोनिफिकेशन होता क्या है. एक्चुअली जो ये पीनट्स टाइप की चीजें हैं, ये एस्टर हैं,
एस्टर की रिएक्शन जब के ओएच से होती है तो इसी को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। जो ऑयल या फैट इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि के ओएच से रिएक्शन कर रही हैं, ये एस्टर हैं। और ये एस्टर जो है एक तरह के एस्टर हैं, एस्टर ग्रुप है इनका, एस्टर ग्रुप है। इलेवेंथ के बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है इसीलिए इससे बच रहा था मैं बताने से। ये एस्टर जो है ये के ओ एच से रिएक्शन करता है, इसे ही सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। सैपोनिफिकेशन इसी का नाम होता है। तो मेरे बच्चों सैपोनिफिकेशन एक रिएक्शन है, बस इसे इस तरह के समझ करके चलिए कि सैपोनिफिकेशन ऑयल्स का होता है और सैपोनिफिकेशन एक रिएक्शन है, इसके सिवाय इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। पहले पी नट ने, जो पी नट था उस पी नट ने रिएक्शन करी के ओएच के साथ, जो उसके बाद क्या हुआ, जो अनकंज्यूम्ड एक्सेस या रिमेनिंग के ओएच था, रिमेनिंग के ओएच था, जो रिमेनिंग के ओएच है, रिमेनिंग के ओएच, उस रिमेनिंग के ओएच की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, H2SO4 के साथ। वो रिमेनिंग के ओएच की रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसकी इक्वेशन भी मैं लिख के दिखाता हूं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। 2KOH प्लस H2SO4 ये बनाएगा K2SO4 और प्लस 2H2O। बैलेंस इक्वेशन है। तो आप स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दीजिएगा, और जब आप स्टोशियोमेट्री अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1/2 मिलीमोल्स ऑफ KOH, और कौन सा जो रिमेनिंग था वो, क्योंकि रिएक्शन जो है रिमेनिंग KOH और H2SO4 की हो रही है, तो मिलीमोल्स ऑफ रिमेनिंग KOH या एक्सेस KOH जो पहली रिएक्शन से बच गया था, ये इज इक्वल टू हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। तो अब मिलीमोल्स ऑफ रिमेनिंग, इसे मैं शॉर्टकट REM लिख रहा हूं, KOH, ये 2 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएगा, और H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हैं, 8.5 हैं, इनटू 0.28 है। ये मिलीमोल क्या करना है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ही मिलीमोल होता है। इसको आप समझ करके चलिए कि जो मिलीमोल ऑफ सोल्यूट होता है वो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स होता है। तो इसमें क्या किया है हमने, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, यही तो किया है और तो कोई काम नहीं किया। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स यही काम किया है और कोई काम हमने नहीं किया है। ये मिली मोल्स ऑफ रिमेनिंग के ओएच आ गया है। अब यहां पर ये टोटल कितना था, यानी कि अगर आप टोटल मिली मोल्स ऑफ के ओएच की बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम 0.4 × 25 आ जाएगा, ये 2500 × 10 आ जाएगा। टोटल 10 थे, कंज्यूम इतने हुए, तो बच कितने गए थे, देखो टोटल इतने थे बच गए थे इतने, सॉरी ये बच गए थे। तो इस पीनट के लिए लगे कितने थे, तो आप कह सकते हैं मिलीमोल्स ऑफ KOH यूज्ड फॉर पीनट के लिए कितने लगे थे, टोटल ये थे कितने, 10। रिएक्शन के बाद जो बच गए थे वो कितने थे, ये थे, तो 2 × 8.5 × 0.28 थे। तो इतने मिलीमोल्स किसके काम आए,
पी नट के काम आए। अब मिली मोल्स ऑफ के ओ एच हैं, तो भैया इसके मास को निकालने का क्या तरीका है? मास को निकालने का तरीका है मास इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 56 होता है। तो यहां से मास ऑफ के ओ एच किसमें? मिलीग्राम में। ये 10 माइनस 2 इंटू 8.5 इंटू 0.28। अब देखो ना, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 56 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मिलीग्राम आएगा। क्या है? एक ग्राम पी नट के साथ, एक ग्राम पी नट के साथ जितने मिलीग्राम केओएच के रिएक्शन करेंगे वही सैपोनिफिकेशन वैल्यू होगी। तो ये मिलीग्राम कितने से रिएक्शन कर रहे हैं? ये तो 2 ग्राम से रिएक्शन कर रहे हैं। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 ग्राम से रिएक्शन करने वाले, तो 10 माइनस 2 इंटू 8.5 इंटू 0.28 इंटू 56 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 2 आएगा। यही आपका आंसर होगा। तो बड़ा छोटा सा लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान करके करिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 111 पर चलते हैं। 111 क्या कहता है उसे भी देखते हैं। 111 20 ml of a mixture of CO and H2 were mixed with excess of O2 and exploded and cooled. This was a volume contraction of 18 ml. All volume measurement corresponds to room temperature 27 degrees Celsius at 1 atmosphere. Determine volume ratio V1 to V2 of CO and H2 in the original mixture. क्या कहानी है बच्चों? कहानी यह है 111 की। कहानी क्या है? 111 में 20 ml mixture of CO and H2 है। ये 20 ml mixture CO plus H2 है। कितना है? 20 ml है। 20 ml मिक्सचर CO plus H2 है। इसको हमने क्या किया? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया। यहां पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया और मिक्स करके एक्सप्लोड किया, कूल किया। यहां पर एक्सप्लोजन कराया। एक्सप्लोजन का मतलब है इसकी इसके साथ रिएक्शन हुई, कंबस्चन हुआ। एक्सप्लोजन का मतलब है कंबस्चन हुआ। उसके बाद कूलिंग हुई। कूलिंग में क्या हुआ कि जो वाटर था वो सेपरेट हो गया एज ए लिक्विड, जो फॉर्म वाटर था। उसके बाद क्या हुआ? देयर वाज अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 18 ml। इन सब के बाद जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है ये 18 ml का है। आपको कुछ नहीं करना है, CO और H2 अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो इन दोनों का रेशियो बताना है। ऑल वॉल्यूम मेजरमेंट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू रूम टेम्परेचर। सभी वॉल्यूम मेजरमेंट एक ही टेम्परेचर वगैरह पर किए गए हैं। तो अब आप क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा। आप इसको मान करके चलो भाई, फिर दोबारा से देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, V1 है, V2 है, 20 ml है, यानी कि V1 प्लस V2 दोनों का सम 20 ml है। एक इक्वेशन आपको यहां मिल गई, इन दोनों का वॉल्यूम का सम 20 ml है, एक इक्वेशन यहां से मिल गई। यहां पर कंसीडर करो कि XML ऑक्सीजन पास कर दी, XML ऑक्सीजन पास कर दी, तो टोटल कितना गैसियस मिक्सचर हुआ? टोटल गैसियस मिक्सचर V1 प्लस V2
प्लस एक्स हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी, डिक्रीज हो जाना। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, सिकुड़ जाना। कितना वॉल्यूम सिकुड़ा भैया? टोटल वॉल्यूम कितना था? टोटल वॉल्यूम था 20 प्लस एक्स। कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया? 18 का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 18 का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो कितना बच गया? 2 प्लस एक्स बच गया। इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो CO2 हो सकती है, प्लस रिमेनिंग या अनयूज्ड, अनयूज्ड या फिर आप इसे रिमेनिंग कहो, और रिमेनिंग क्या हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है और कुछ नहीं, CO2 प्लस अनयूज्ड ऑक्सीजन हो सकती है और कहीं कोई पंगा नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से होना है, किस तरीके से क्वेश्चन होना है। देखो भाई, CO प्लस O2 ये बनाएगा CO2, ये V1 है, बैलेंस कर लो तो ये हाफ O2 हो जाएगा और ये आपके पास जितना यहां कोफिशियंट है उतना यहां कोफिशियंट है। तो अगर ये V1 है तो ये V1 प्रोड्यूस होगा और ये हाफ V1 इस्तेमाल होगा, ये इस रिएक्शन में कंज्यूम्ड है, ये प्रोड्यूस्ड है और ये भी इसका कंज्यूम्ड है, कंज्यूम्ड है, कंज्यूम जो कंज्यूम का मतलब जो खप गया, खपा, खपत जिसकी हुई, जो कंज्यूम हो गया, जो खप गया, जिसकी खपत हुई। और ये जो है ये फॉर्म्ड है, जो कि बन गया, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं बिना हेजिटेशन के कि जो CO2 है, CO2 ये V1 आ गया। अब रिमेनिंग O2 की बात करते हैं, करते हैं अभी, देखते हैं क्या होता है रिमेनिंग O2 के रिगार्डिंग। CO का हमने मामला कर दिया, H2 पर चलिए, H2 प्लस हाफ O2 ये बनाएगा H2O। इसका वॉल्यूम V2 है, ये कंज्यूम हुआ, ये खपा, ये कंज्यूम्ड है, ये खपा हुआ वॉल्यूम है, जिसकी खपत हो गई है, खपत हो गई है। यहां पर चलिए तो V2 by 2, ये हाफ है ना, तो V2 by 2 ये कंज्यूम्ड है, ये खपत हुई है, खपत, ये खपत हुई है, खपत। यहां पर देखिए H2O है, ये बनेगा, लेकिन हमने इसे पहले बाहर निकाल लिया है, तो कूलिंग करके पहले ही बाहर निकाल लिया, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए कि जो टोटल ऑक्सीजन खपी है, जो टोटल ऑक्सीजन यूज हुई है वो कितनी है। टोटल, टोटल कंज्यूम्ड O2 कितनी है? ये V1 by 2 है, V1 by 2 है, प्लस V2 by 2 है, ये ऑक्सीजन खपी है, खपी है, खपी है। तो बची कितनी होगी रिमेनिंग ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन, इसे मैं REM लिखता हूं, रिमेनिंग ऑक्सीजन जो टोटल थी X माइनस जो खप गई, कितनी खपी? V1 by 2 प्लस V2 by 2, ये खप गई, ये रिमेनिंग ऑक्सीजन है। तो यहां पर आप देखिए ये जो है ये अनयूज्ड और रिमेनिंग ऑक्सीजन ये कितनी है भाई? ये X माइनस, ये देखने में दिक्कत हो सकती है बच्चों को, इसलिए यहां पर लिखता हूं, यहां पर ये रिमेनिंग ऑक्सीजन ये कितनी है? ये रिमेनिंग ऑक्सीजन ये आपके पास आ रही है एक्स माइनस वी वन, और यहां पर भी ये माइनस का ही साइन आ जाएगा, ये माइनस क्या वी वन बाई टू माइनस वी टू बाई टू आ जाएगा। इस तरीके से ये अनयूज्ड ऑक्सीजन आ जाएगी, अनयूज्ड ऑक्सीजन आ जाएगी, ये प्रोड्यूस्ड सीओ टू आ जाएगी, और ये जो वॉल्यूम है ये 2 प्लस एक्स आ जाएगा,
टोटल वॉल्यूम 2 प्लस एक्स आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि 20 प्लस एक्स माइनस कॉन्ट्रैक्शन जो है 18 का ये हो गया। अगर आप CO2 को किसके टर्म में निकालेंगे, आगे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 2 प्लस एक्स टोटल माइनस कंज्यूम्ड कितना है ये आपके पास, ये कंज्यूम्ड ये जो अनयूज्ड थी, अनयूज्ड कितनी है एक्स माइनस v1/2 माइनस v2/2 ये आपके पास आ जाएगी। और अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 प्लस ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v1/2 प्लस v2/2 और यही किसके इक्वल है v1 के इक्वल है। यहां से एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगी, ये v1 और v2 में इक्वेशन तैयार होगी। अब आप इस तरीके से दो इक्वेशंस मिल जाती हैं और दो अननोन वैल्यूज हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप इसमें रिलेशन निकाल लीजिए, बहुत छोटा और अच्छा क्वेश्चन है। तो 111 इस तरीके से आपका फिनिश हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो इडियोमेट्री के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले ही मौजूद है, उसे आप एक बार को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 क्या कहता है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोग भी करिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए और 112 को देखते हैं कि 112 क्या कहता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। 112 इन द रिएक्शन गिवेन है, क्या गिवेन है 2Al प्लस 6HCl, ये बना रहा है 2Al प्लस 3 प्लस 6Cl माइनस प्लस 3H2 गैस, ये चल रहा है। तो अब क्या पूछ रहा है, 6 लीटर HCl एक्वस कंज्यूम्ड फॉर 3 लीटर ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड, 33.6 लीटर H2 प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ दिस। आपको HCl में, और पहले इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है, ये एक्वेस है, इसमें और हाइड्रोजन में रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन देखते हैं। साथ में एक जगह पर एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का रिलेशन भी है, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का रिलेशन भी है। तो देखो बैलेंस इक्वेशन है तो आप हकदार हैं स्टोसियोमेट्री अप्लाई करने के, 1/2 इंटू मोल्स ऑफ एल, 1/3 इंटू मोल्स ऑफ H2 लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है भाई, एवरी मोल ऑफ एल है, एक में ही मोल का जिक्र है, तो ये गिवन है मोल्स ऑफ एल, एवरी मोल का मतलब है 1, यहां मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट है एवरी मोल ऑफ एल्युमिनियम, इसके लिए 1 आ गया। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2, तो 3/2 इसका मतलब 1.5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2, तो 1.5 ये आ गया। कहां से वॉल्यूम ऑफ H2 किसमें, इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। अब यहां से एक आंसर आप ले सकते हैं, दूसरा रिलेशन हमें इसमें और इसमें निकालना है, वो भी देख लीजिएगा दूसरा रिलेशन क्या निकलेगा।
तो दूसरा रिलेशन जब आप निकालेंगे इन दोनों में तो क्या आएगा उसे जरा देखिए, 1/6 इंटू मोल्स ऑफ HCl, ये इज इक्वल टू आएगा 1/3 इंटू मोल्स ऑफ H2। अब आप देखो क्या है भाई, इतने लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी मोल, तो इसका गिवन है एवरी मोल ऑफ HCl, ये गिवन है एवरी मोल ऑफ HCl, एवरी मोल ऑफ HCl, तो 1/6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2 इन लीटर अपॉन 22.4। यहां से निकाल लीजिए और देखिए कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट बैठ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है निकाल लीजिए। 113 पर चलते हैं कि 113 क्या कहता है और फिर आगे बढ़ेंगे। 113 क्या कहता है, चलिए करते हैं 113 कि 113 क्या कहता है, 113 ये क्या कहता है, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन गैसियस मिक्सचर ऑफ C3H8 CH4 एंड O2 इज 20। यहां पर गैसियस मिक्सचर है, वो गैसियस मिक्सचर किसका है, C3H8 साथ में CH4 साथ में क्या है भाई, एक चीज और भी है, CO भी है, CO है, और इसमें द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 ये 20% बाय वॉल्यूम है, ठीक है भाई 20%। 100 ml ऑफ दिस मिक्सचर, इस पूरे का 100 ml ले लिया, इसको हमने जलाया, बर्न किया एक्सेस ऑफ CO2 में, एक्सेस ऑफ O2 में बर्न किया, ये एक्सेस ऑफ O2 है, इसमें बर्न किया, और जब बर्निंग करी है तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कितना CO2 निकला है, ये कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई है, CO2 का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है और कुछ भी काम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CO2 प्रोड्यूस कितना हुई है कितनी नहीं हुई है ये हमें निकालनी है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ता हूँ, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन अ गैसेस मिक्सचर ऑफ C3H8 CH4 एंड CO इज 20, ठीक है भाई। व्हेन 100 ml मिक्सचर इज बर्नड इन एक्सेस ऑफ O2 द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज, 100 ml है इसमें, अगर 100 ml है ये तो इसमें 20 ml क्या, 20 ml क्या हो जाता है, C3H8 हो जाता है, तो C3H8 प्लस CH4 प्लस CO ये बनाएगा CO2, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन के लिए DTAC लगता है, DTAC डाल्टन्स लॉ या डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन, वीडियो अवेलेबल है, ये लगता है, जो वीडियो है वो YouTube चैनल पर अवेलेबल है, एक बार आप जरूर 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 देखिए। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हो तो भैया देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हो मेहनत करनी पड़ेगी, और आप दुनिया की सबसे अच्छी किताब करने जा रहे हो तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर जो एटम्स हैं वो एटम्स हैं कितने, यहां एटम्स हैं 3, यहां एटम्स हैं 1, यहां है 1, तो लगा दो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ C3H8 प्लस वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO,
यहां पर भी वन है वन, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 100 में 20 ml होगा, 100 में 20 ml होगा, तो 3 × 20 भैया ये 20 ml हो गया, बाकी जो बच गए ये 80 ml हो गया। अरे 100 में से 20 माइनस कर दो 80 आएगा, तो 3 × 20 प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कितना है 80 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2। सबसे आसान तरीका था, इसीलिए मैंने सबसे आसान तरीका बताया है, कोई लंबा कुछ नहीं किया है, सबसे इजी बता दिया। 114 पर चलिए कि 114 क्या कहता है। 114 आप 114 पर चलिए, 114 क्या कहता है उसे भी आप अच्छी तरीके से देखिए। 40 ml, 140 ml मिक्सचर ऑफ CO CH4 Ne, यहां पर CO है, ये XML ले लो, XML CH4 है, इसे YML ले लो XY, और Ne नियॉन इसे जेड ले लो, जेड ml, जेड ले लो जेड, ये टोटल जो है वो 40 ml है। इसका मतलब 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। एक इक्वेशन तो यही बन के आ रही है, वाज एक्सप्लोडेड विद 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर 10 ml ऑक्सीजन है, 10 ml ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड किया गया। ऑन कूलिंग यहां पर एक्सप्लोजन किया गया, इस एक्सप्लोजन करने का मतलब क्या है, इस एक्सप्लोजन करने का मतलब यह है कि हमने इसको कंबस्शन कराया, कंबस्शन कराया और फिर कूलिंग कराई, तो जब कूलिंग कराएंगे तो H2O लिक्विड की तरह से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जो गैसेस हैं वो 36.5 ml हैं, 36.5 ml हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH, जब हमने ट्रीटमेंट किया KOH के साथ तो रिड्यूस्ड बाय 9 ml, हमने जब KOH में पास किया, एक्वेस KOH में पास किया तो रिडक्शन, रिडक्शन इन वॉल्यूम ये आपके पास 9 ml था। फिर क्या है, एंड अगेन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन पैरागैलोल वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस्ड, अल्कलाइन पैरागैलोल से भी वॉल्यूम रिड्यूस्ड होता है। ये प्योर इडियोमेट्री का क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इडियोमेट्री में स्पेलिंग लिख देता हूं, इडियोमेट्री की वीडियो जरूर देखिए, इडियोमेट्री की वीडियो जरूर 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 देखिए। अब देखो KOH में CO2 एब्जॉर्ब होती है, CO2 इज एब्जॉर्ब बाय एक्वेस KOH, CO2 एब्जॉर्ब होती है किसमें, एक्वेस KOH में एब्जॉर्ब होती है, तो CO2 इज एब्जॉर्ब बाय एक्वेस KOH या CO2 एब्जॉर्ब इन एक्वेस KOH, यानी कि जो ये 9 ml है ये वॉल्यूम ऑफ CO2 ये 9 ml है। पहली बात ये आप इसको हाईलाइट, ये क्यों वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हुआ, CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसे बाद में फिर अल्कलाइन पैरागैलोल में पास कर रहे हैं तो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो अल्कलाइन पैरागैलोल यहां पर हमने अल्कलाइन नहीं दिख रहा होगा तो सुनते रहना, अल्कलाइन
पायरोगैलॉल, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, गैलॉल में पास किया तो भी, अरे भैया एल्कलाइन पायरोगैलॉल में क्या एब्जॉर्ब होगी? एल्कलाइन पायरोगैलॉल में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, तो जो एल्कलाइन पायरोगैलॉल है दिस एब्जॉर्ब्स क्या ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर दी है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर CO2 तो थी ही थी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस ऑक्सीजन भी है, और जो ये नियॉन गैस है, ये नियॉन गैस है क्योंकि नियॉन गैस इनर्ट गैस है, इसका कभी भी कंबस्शन नहीं होता है, इसका कंबस्शन नहीं होता है, नियॉन का कंबस्शन नहीं होता है, नियॉन का कंबस्शन नहीं होता है। अब जब आपने एक बार फिगर ड्रॉ कर ली है, इसके बाद अब आप क्वेश्चन करेंगे, इडियोमेट्री का क्वेश्चन है, ये मैं लिख चुका हूं, इसका वीडियो अवेलेबल है। चलिए CO प्लस हाफ O2 ये बना रहा है CO2, ठीक है, इसका x ml लिया तो इसका x by 2 और इसका x, ये बना है, फॉर्म हुआ है, ये कंज्यूम्ड है, जो खपा है, इसकी खपत हुई है, ये कंज्यूम हुआ है, ये खपा है, कंज्यूम हुआ है, खपत हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए दूसरी बात, CO CH4 है, CH4 प्लस O2 CO2, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो प्लस 2H2O, ऑक्सीजन 2 2 4, तो यहां पर 4 हो जाएगा, ये कितना है भाई Y है, तो ये कितना होगा 2Y होगा, इसका भी कंजम्पशन हो रहा है, ये कंज्यूम्ड है, इसका भी कंजम्पशन हो रहा है, ये कंज्यूम्ड है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ना इसका कोफिशियंट 1 है, इसका भी 1 है, तो यहां वाई है, तो यहां भी वाई होगा, ये भी फॉर्म हो रहा है, फॉर्म है। तो अब आप देखिए दो रिजल्ट सामने हैं, कौन कौन से दो रिजल्ट सामने हैं, एक तो ये रिजल्ट सामने है, एक ये रिजल्ट सामने है, क्या वॉल्यूम ऑफ फॉर्म्ड CO2, फॉर्म्ड CO2 ये x प्लस वाई और ये 9 के इक्वल होगा, x प्लस वाई 9 के इक्वल होगा। दूसरी बात यहां से देखिए, यहां से ये जो दूसरा रिजल्ट है ये क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन ये x बाई टू प्लस 2y है, 2y है, टोटल ऑक्सीजन 10 ml थी, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन ये 10 माइनस एक्स बाई टू माइनस 2y होगी। तो बच्चों चलते हैं देखते हैं क्या कहानी है, कैसे क्या बन के तैयार हो रहा है, ये क्या है, ये यहां पर देखिए बस यहीं पर मैजिक है, जो कुछ है यहां पर CO2 है, तो CO2 कितना है, ये वॉल्यूम ऑफ CO2 है, प्लस क्या है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग O2 है, REM लिखने की आदत है मुझे, प्लस ये मैं बंद कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ NE है इज इक्वल टू 13.6 है, मैं इसको यहां पर उतार करके ला रहा हूं पूरे को, इसको यहां पर पूरे को उतार करके ला रहा हूं मैं, तो वॉल्यूम ऑफ CO2
इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ CO2, ये CO2 का कितना वॉल्यूम, CO2 का कितना वॉल्यूम भैया कितना है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना है, ये रही रिमेनिंग ऑक्सीजन, कितनी है रिमेनिंग ऑक्सीजन, टेन माइनस एक्स बाई टू माइनस टू वाई है, ये कितना है, ये जेड थी, जेड है, इसको मैं जेड ऐसे बना देता हूं, ये 13.6, यहीं पर सारा मैजिक है, जो कुछ मैजिक है वो यहीं पर है, इसको आप यहां पर ले आओ तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्या आएगा, 10 माइनस x बाई टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू 13.6, ये इस तरीके से आएगा, जो इसकी वैल्यू है, इसकी इसकी जो वैल्यू है इसकी, ये कितनी गिवन है, ये 40 ml गिवन है, तो इसको 40 लिख लो, तो 40 ये लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई टू माइनस टू वाई, देखो ना 10 माइनस एक्स बाई टू माइनस टू वाई, ये प्लस था प्लस, और इज इक्वल टू है 36.5, आप क्या करिए, ये 50 हो गया, 50 हो गया, ये पूरा 50 हो गया, इस वैल्यू को यहां ले आओ, इस वैल्यू को उस डायरेक्शन में ले जाओ, तो 50 माइनस 36.5 इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू वाई, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं और कुछ भी नहीं है, तो अब चलिए ये 13.6 हो गया, मुझे कुछ ना कुछ अब रब भी करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें रब करनी पड़ेंगी, अदरवाइज जगह कम पड़ जाएगी, तो यहां की चीजें मैं रब करता हूं, ये थोड़ी चीजें मैं रब कर रहा हूं जो फिगर से रिलेटेड थी, उन्हें मैं थोड़े को मिटो रहा हूं, देखिए जरा, तो अब देखिए ये 13.5 इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू वाई आएगा, इसे देखो तो 13.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर वाई डिवाइडेड बाई टू आ गया, अब इसको इधर ले जाइए, तो ये 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर वाई आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस लगा दो, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 9 × 2 = 38, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 3y, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, निकालना क्या था बच्चों वो भी देख लेते हैं हम, कि निकालना क्या था, व्हाट द परसेंटेज ऑफ CH4 इन द ओरिजिनल मिक्सचर, CH4 की परसेंटेज निकालनी थी, तो y की वैल्यू आ गई, परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालनी है तो देखिए कैसे परसेंटेज निकल जाएगी, बहुत 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 आराम से, किस तरीके से परसेंटेज निकलेगी उसे जरा आप देखिए, 40 ml मिक्सचर में कितना है, 6 ml CH4 है, तो 100 ml मिक्सचर में 6 by 40 × 100, तो परसेंटेज ऑफ CH4 ये आ जाता है 6 by 40 × 100, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर, 2 × 4 =
दो तीन छः, दो पंजे दस, पाँच तीन पंद्रह, ये आपके पास आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 115 पर चलते हैं। 115 को देखते हैं कि 115 क्या कहता है। देखिए, गैसियस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, 115 पर चलते हैं। ये देखें क्या कहता है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर। यहां पर प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन है, इसका वॉल्यूम 3 लीटर है। कंप्लीटली कंबस्टन प्रोड्यूस 11.11 लीटर CO2। कंप्लीट कंबस्टन कर दिया तो 11 लीटर CO2 आ गया, 11 लीटर CO2 आ गया। रेशियो हमें निकालना है और कोई काम नहीं है, केवल रेशियो निकालना है, कोई काम नहीं है। C3H8 प्लस C4H10 क्या बना रहा है, CO2। कुछ मत करो, DTAC अप्लाई करो, DTAC फॉर कार्बन अप्लाई कर दो, तो 3 × वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ C3H8 प्लस 4 × वॉल्यूम ऑफ C4H10 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2। इसको x लीटर ले लो और इसको y लीटर ले लो। x प्लस y की वैल्यू जो है वो 3 लीटर है, तो 3 × x प्लस 4 × y इज इक्वल टू 11, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 है। x प्लस y इज इक्वल टू 3 है। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं, आप कैलकुलेशन करिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से मैंने 115 तक आज फिनिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच।